नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, 12 अक्टूबर 2023 से जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं, यानी जो भी 12 अक्टूबर 2023 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इस वीडियो में आज उनके बारे में जानेंगे, जो आपके हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डॉक्टर सानिया सुलुहु निम्न में से किस देश की राष्ट्रपति है, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। तो इसमें आपके जो ऑप्शंस हैं उनमें पहला ऑप्शन है सोमालिया, दूसरा ऑप्शन है कतर, तीसरा ऑप्शन है तंजानिया, चौथा ऑप्शन है मिस्र। तो दोस्तों, इनमें जो आपका जो सही ऑप्शन है, जो सही आंसर होगा वो ये होगा कि ऑप्शन नंबर 3, तंजानिया। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, और आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो ये है कि निम्न में से किस स्थान पर पहला गांधी म्यूजियम शुरू किया गया है। तो इनमें जो आपके ऑप्शन है उनमें पहला ऑप्शन है ह्यूस्टन, दूसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क, और तीसरा ऑप्शन है कोलंबो, और चौथा ऑप्शन है वॉशिंगटन सिटी। जो इनमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी ह्यूस्टन। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है कि आयुष शेट्टी ने हाल ही में आयोजित BWF जूनियर चैंपियनशिप 2023 में ब्रोंज मेडल जीता है, वह किस खेल से संबंधित है। तो इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें पहला ऑप्शन है वो है बैडमिंटन, दूसरा ऑप्शन है टेनिस, और तीसरा ऑप्शन है टेबल टेनिस, और चौथा ऑप्शन है गोल्फ। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा, जो सही आंसर होगा वो होगा बैडमिंटन। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है कि निम्न में से किसके द्वारा सांख्यिकीय प्रदर्शन संकेतक SPI का संकलन जारी किया जाता है। तो इसमें आपके जो ऑप्शंस है उनमें पहला ऑप्शन है विश्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय मुद्रा फंड, और तीसरा ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक, चौथा ऑप्शन है यूनेस्को। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा, जो सही आंसर होगा वो होगा विश्व बैंक। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये है कि अभी हाल ही में किसके द्वारा चक्रवात नामक अभ्यास की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों, इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय वायुसेना, दूसरा ऑप्शन है भारतीय सेना, तीसरा ऑप्शन है भारतीय नौसेना, और चौथा ऑप्शन होगा सीमा सुरक्षा बल। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा, यानी जो सही आंसर होगा वो होगा भारतीय नौसेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इसमें आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है नेपाल, और चौथा ऑप्शन है भूटान। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी श्रीलंका। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये है कि अनुसूचित जाति SC वर्ग के छात्रों की शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा श्रेष्ठा नामक योजना शुरू की गई है। तो इसमें से जो आपके ऑप्शंस होंगे वो, उनमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है बिहार, सेकंड ऑप्शन है केंद्र सरकार, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, और फोर्थ ऑप्शन होगा तेलंगाना। तो दोस्तों, इनमें जो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी केंद्र सरकार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर एट जो है वो ये है कि मोहम्मद रेजा शादलोई चिया ने प्रो कबड्डी लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, वह किस देश से संबंधित है। दोस्तों इसमें से जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें पहला ऑप्शन है ईरान, दूसरा ऑप्शन है साउथ कोरिया, तीसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान, चौथा ऑप्शन है नेपाल। इनमें से जो आपका सही ऑप्शन होगा, जो सही आंसर होगा आपका, वो है ईरान। यानी मोहम्मद रेजा शादलोई चियाने ईरान से संबंधित है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा वो ये होगा कि निम्न में से किस दिन डिस्लेक्सिया जागरूकता दिवस मनाया गया है। आपके ऑप्शंस होंगे, पहला ऑप्शन है 8 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 9 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 10 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 11 अक्टूबर। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा, जो सही आंसर होगा इसमें से, वो होगा 8 अक्टूबर। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा वो ये होगा कि निम्न में से कौन सा दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इसमें जो आपके ऑप्शंस है उसमें फर्स्ट ऑप्शन है 8 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 9 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 10 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 11 अक्टूबर। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन होगा, जो आपका सही आंसर होगा, वो होगा 10 अक्टूबर, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ये है कि जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई। इसमें से जो आपके ऑप्शंस बनेंगे उनमें फर्स्ट ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है जापान, चौथा ऑप्शन है साउथ अफ्रीका। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी संयुक्त अरब अमीरात। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो ये है कि 9 अक्टूबर को भारत स्वीडन इनोवेशन डे बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। तो इनमें से जो आपके ऑप्शंस बनेंगे उनमें जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो है 9वां, सेकंड ऑप्शन है 10वां, थर्ड ऑप्शन है 11वां और फोर्थ ऑप्शन है 12वां। तो दोस्तों इनमें से जो आपका सही ऑप्शन होगा, जो आपका सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 10वां। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड और विश्व बैंक ने निम्न में से किस अफ्रीकी देश में 50 वर्षों में पहली बैठक की है। तो इसमें से जो आपके ऑप्शंस बनेंगे उनमें आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा मोरक्को, सेकंड ऑप्शन है केन्या और थर्ड ऑप्शन है साउथ अफ्रीका और फोर्थ ऑप्शन है ब्राज़ील। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी मोरक्को। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। और आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो ये है कि राजस्थान में 19 जिलों व 3 नए संभागों की घोषणा की गई थी, वो किस दिन की गई थी। तो इनमें आपके ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन है 4 अगस्त 2023 को, दूसरा ऑप्शन है 17 मार्च 2023 को और तीसरा ऑप्शन है 6 अगस्त 2023 को और चौथा ऑप्शन होगा 21 मार्च 2023 को। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन होगा, जो आपका सही आंसर बनेगा, वो होगा 17 मार्च 2023, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो ये है कि हाल ही में इसराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है, मतलब जो अभी लड़ाई चल रही है उसको एक कोड नाम दिया गया है, वो कोड नाम क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है ऑपरेशन हमास, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन गाजा, तीसरा है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। अब आता है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो यह है कि हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है। तो इसमें आपके जो ऑप्शंस होंगे उनमें फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकंड ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से जो आपका सही ऑप्शन बनेगा, जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी उड़ीसा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो ये है कि हाल ही में किन राज्यों में चुनावों की घोषणा हुई है। तो पहला ऑप्शन बनेगा आपका राजस्थान, सेकंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, और तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन होगा, जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 बनेगा वो है हाल ही में जारी हरुण इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं। तो इसमें से जो आपके ऑप्शन बनेंगे उनमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो होगा गौतम अडानी, सेकंड ऑप्शन है मुकेश अंबानी, थर्ड ऑप्शन है रतन टाटा, और फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका फर्स्ट ऑप्शन, मतलब जो आपका सही ऑप्शन है, जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी मुकेश अंबानी। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो ये है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ मैच से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसमें से जो आपके ऑप्शंस बनेंगे उनमें जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो होगा विराट कोहली, सेकंड ऑप्शन है रोहित शर्मा, थर्ड ऑप्शन है शिखर धवन, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से जो आपका सही ऑप्शन होगा, जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 विराट कोहली। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 20 जो बनेगा वो ये है कि हाल ही में भारत व किस देश ने अपने 75 साल के राजनयिक संबंधों को जश्न मनाया, मतलब राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया है। तो इसमें से जो आपके ऑप्शन बनेंगे उनमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा ऑप्शन है मलेशिया, तीसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन जो होगा, जो आपका सही आंसर होगा वो होगा स्विट्जरलैंड। दोस्तों आई होप कि आपको करंट अफेयर्स से जुड़े ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स के रोज नए नए वीडियो उपलब्ध होंगे। तो चैनल पर बने रहना और अपना प्यार जताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।